प्रिय मित्रों, मैं लक्ष्मीकांत झा, सहायक प्राचार्य हिंदी, कोशी महाविद्यालय खगड़िया। आज हम लोग भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य हेतु पर विचार विमर्श करेंगे। इस विमर्श के पश्चात आप महत्वपूर्ण काव्य हेतुओं को जान पाएंगे। काव्य रचना के लिए काव्य हेतुओं की उपयोगिता को समझ पाएंगे। विभिन्न साहित्याचार्यों ने काव्य हेतुओं के प्रति जो विचार प्रकट किए हैं, आप उनको जान पाएंगे और काव्य हेतुओं का काव्य की रचना या निर्माण में महत्व जान पाएंगे। तो चलिए हम लोग चर्चा प्रारंभ करते हैं। मित्रों, काव्य शब्द संस्कृत साहित्य में गद्य एवं पद्य दोनों के लिए प्रयुक्त होता है, किंतु हिंदी साहित्य में काव्य कविता के लिए प्रयुक्त होता है। काव्य हेतु शब्द मुख्य रूप से संस्कृत काव्य शास्त्र की परंपरा में प्रयुक्त हुआ है। हेतु शब्द का अर्थ होता है कारण। इस प्रकार काव्य हेतु का अर्थ हुआ काव्य निर्माण के कारण, काव्य की रचना के कारण। कहने का तात्पर्य यह है कि आखिर वे कौन से कारण हैं जिनके कारण काव्य की रचना होती है, काव्य का निर्माण होता है। तो मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं, काव्य रचना या कविता की रचना करना एक विशिष्ट प्रकार का रचनात्मक कर्म माना जाता है। कहा भी गया है, हमारे यहाँ लोक में एक कहावत भी प्रचलित है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। मतलब कवियों की दृष्टि व्यापक होती है, जहाँ तक सामान्य व्यक्ति सोच नहीं सकता वहाँ भी कवि पहुंच जाता है और विचार सागर से संवेदना के मोती चुन चुन कर लाता है और सहृदय पाठक को उसका रसास्वादन करवाता है। ध्वन्यालोक आचार्य आनंद वर्धन ने कवि की इसी विशिष्टता पर, कवि व्यक्तित्व की अद्वितीयता पर जोर देते हुए अपने ग्रंथ ध्वन्यालोक में कहा है, अपार काव्य संसारे कविरेव प्रजापति यथास्मै रोचते विश्वम
तथेदम परिवर्तयेत। अर्थात इस अपार काव्य संसार का प्रजापति कवि है, जिस प्रकार उसको यह संसार प्रतीत होता है उसी प्रकार उसकी वह रचना करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आनंद वर्धन ने कवि को प्रजापति कहा है, निर्माण कर्ता कहा है। अग्नि पुराण में भी कहा गया है कवि नाम स्वयंभू परिभु, कवि नाम स्वयंभू परिभु, अर्थात कवि स्वयं उत्पन्न होते हैं। तो मित्रों, अब हम काव्य हेतुओं पर चर्चा प्रारंभ करके यह देखेंगे कि वास्तव में काव्य निर्माण की प्रक्रिया स्वयं में अति महत्वपूर्ण रही है। काव्य हेतु एक अति महत्वपूर्ण काव्यांग है भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत, और यही कारण रहा है कि संस्कृत साहित्याचार्यों, हिंदी के आचार्य एवं स्वयं कवियों ने भी इस विषय पर विचार किया है। मित्रों, कविता एक विशिष्ट रचना कर्म है, यह हम सब जानते हैं। यह रचनाकार कवि को एक विशिष्ट मनुष्य बनाता है। यह रचनाकार कवि को एक विशिष्ट मनुष्य बनाता है। यह मनुष्य सामान्य होते हुए भी विशिष्ट प्राणी होता है। उसमें प्रतिभा जन्मजात होती है। वह काव्य रचना योग्य गुरु के निर्देशन में प्राप्त करता है एवं उत्तरोत्तर अभ्यास के द्वारा वह काव्य रचना में सिद्धि प्राप्त करता है। अब हम लोग जो प्रमुख काव्य हेतु हैं उन पर विचार करें। तो मित्रों, हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य एवं पाश्चात्य साहित्य में भी काव्य हेतुओं पर विशेष रूप से विचार विमर्श हुआ है। इस विमर्श के पश्चात काव्य हेतु प्रमुख रूप से तीन प्रकार के माने गए हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति एवं अभ्यास। एक बार पुनः हम लोग दोहरा लें, प्रतिभा, व्युत्पत्ति एवं अभ्यास। प्रतिभा को, व्युत्पत्ति को एवं अभ्यास को विभिन्न साहित्याचार्यों ने अपनी अपनी दृष्टि में महत्व दिया है। आचार्य भामह, कुंतक,
रुद्रठ एवं पंडित राज जगन्नाथ ने प्रतिभा को प्रमुख काव्य हेतु माना है। उनका मत है कि प्रतिभा प्रमुख काव्य हेतु है और इसके बिना काव्य की रचना नहीं हो सकती है। किंतु आचार्य दंडी, आचार्य वाग्भट, आचार्य आनंदवर्धन एवं आचार्य मम्मट ने प्रतिभा व्युत्पत्ति एवं अभ्यास को समान महत्व दिया है। आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ काव्यादर्श में काव्य हेतुओं पर विशेष रूप से विचार विमर्श किया है और उन्होंने काव्य को दो भागों में बांटा है, एक उत्कृष्ट काव्य एवं दूसरा निकृष्ट काव्य। जिस काव्य में प्रतिभा व्युत्पत्ति एवं अभ्यास तीनों का योग होता है उसे आचार्य दंडी ने उत्कृष्ट काव्य की कोटि में रखा है, और वैसा काव्य जो व्युत्पत्ति एवं अभ्यास के योग से रचा जाता है उसे आचार्य दंडी ने निकृष्ट काव्य कहा है। अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में आचार्य मम्मट ने भी प्रतिभा व्युत्पत्ति एवं अभ्यास को समान महत्व दिया है, किंतु उन्होंने प्रतिभा पर विशेष ध्यान दिया है और प्रतिभा को उन्होंने शक्ति कहा है। इस संबंध में आचार्य मम्मट कहते हैं कि यूं तो सभी काव्य हेतु प्रधान हैं, किंतु प्रतिभा के बिना काव्य रचना संभव नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि समान महत्व देते हुए भी आचार्य मम्मट ने प्रतिभा को विशेष महत्व दिया है और उसे शक्ति कहा है। आचार्य दंडी ने प्रतिभा को नैसर्गिक माना है, जन्मजात माना है। व्युत्पत्ति का अर्थ उन्होंने निर्मल शास्त्र ज्ञान लिया है एवं अभ्यास का अर्थ उन्होंने अभियोग लिया है। विभिन्न विद्वानों ने, साहित्याचार्यों ने अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार प्रतिभा, जिसे हम शक्ति भी कह सकते हैं, व्युत्पत्ति यानी निपुणता एवं अभियोग या अभ्यास को अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार महत्व प्रदान किया है। अब हम एक बार जो हमारे तीन प्रमुख काव्य हेतु हैं उन पर विचार कर लें, प्रतिभा व्युत्पत्ति एवं अभ्यास। प्रतिभा को आचार्य हेमचंद्र ने नित नूतन भावों का उन्मेष करने वाली
प्रज्ञा कहा है। मतलब क्षण क्षण नवीन भावों की उद्भावना करने वाली जो प्रज्ञा है वह प्रतिभा है, और यह काव्य रचना का एक महत्वपूर्ण कारक है। आचार्य राजशेखर ने अपने ग्रंथ काव्य मीमांसा में प्रतिभा के दो भेद किए हैं, एक कार्य इत्री प्रतिभा एवं दो भाव इत्री प्रतिभा। कार्य इत्री प्रतिभा कवि में होती है एवं भाव इत्री प्रतिभा सहृदय या आलोचक में। पुनः आचार्य राजशेखर ने कार्य इत्री प्रतिभा को तीन भागों में बांटा है, सहजा, आहार्या एवं उपदेशकी। सहजा प्रतिभा जन्मजात होती है, आहार्या परिश्रम के द्वारा प्राप्त की जाती है एवं उपदेशकी गुरु के सानिध्य में प्राप्त होता है होती है माफ करेंगे। दूसरा जो काव्य हेतु है हमारा वह व्युत्पत्ति है, जिसे कुछ साहित्याचार्यों ने निपुणता भी कहा है। मित्रों, काव्य की रचना के लिए व्युत्पत्ति या ज्ञान परमावश्यक है। ज्ञान का तात्पर्य भाषा ज्ञान से, व्याकरण के ज्ञान से, संगीत एवं विभिन्न कलाओं के ज्ञान से है। इसके साथ साथ लोक व्यवहार एवं लोक मर्यादा का ज्ञान भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है काव्य रचना के संदर्भ में। कहा गया है कि यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम न करणीयम, तो कवि को यह तथ्य भी ध्यान में रखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ें लोक रुचि लोक मर्यादा के अनुकूल होती हैं और कौन सी प्रतिकूल। अनुकूल या प्रीतिकर तथ्य को कवि सबके सामने रखना चाहता है और अरुचिकर को वह अलग करना चाहता है। इसलिए हम देखते हैं कि व्युत्पत्ति ज्ञान या निपुणता का भी बहुत महत्व है काव्य रचना के संदर्भ में। जो तीसरा काव्य हेतु है वह अभ्यास है, जिसे अभियोग भी कुछ साहित्याचार्यों ने कहा है। अभ्यास के महत्व पर कवि रहीम का एक दोहा याद आता है मित्रों। वे कहते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते तिल पर रसरी आवत जात ते करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते शिलपड़ पड़त निशान। तो अभ्यास के द्वारा कठिन से कठिन कार्य भी सिद्ध हो जाता है। अंग्रेजी में भी कहा गया है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो काव्य रचना के लिए अभ्यास के द्वारा एक आम रचनाकार भी सिद्ध हो जाता है। तो मित्रों, इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न साहित्याचार्यों ने काव्य हेतुओं को तीन भागों में बांटा है,
प्रतिभा, शक्ति, व्युत्पत्ति, निपुणता एवं अभ्यास अधियोग। इसमें निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि अब प्रतिभा या शक्ति सर्व प्रमुख काव्य हेतु है एवं व्युत्पत्ति एवं अभ्यास उसके सहायक हैं। अभ्यास का भी अपना एक विशेष महत्व है क्योंकि इससे भी काव्य रचना में सिद्धि आती है। संस्कृत में कहा गया है, दैवानी यान्ति वैफल्यम नाभ्यासस्तु कदाचन, दैवानी यान्ति वैफल्यम नाभ्यासस्तु कदाचन, अर्थात दैव या भाग्य हमें धोखा दे सकता है, अभ्यास हमें कभी धोखा नहीं देता है। तो मित्रों, इस प्रकार हमने देखा कि काव्य की रचना हेतु जो कारण होते हैं उन्हें हम काव्य हेतु कहते हैं। काव्य हेतु को विभिन्न साहित्याचार्यों ने अपनी अपनी दृष्टि में किसी को अधिक महत्व दिया है और किसी को कम महत्व दिया है, किंतु सभी साहित्याचार्यों ने प्रतिभा को लगभग मोटे तौर पर विशेष महत्व दिया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति एवं अभ्यास, जिसे हम शक्ति, निपुणता एवं अभियोग भी कह सकते हैं, प्रमुख काव्य हेतु सिद्ध होता है। इसके साथ साथ लोक व्यवहार एवं लोक मर्यादा का ज्ञान भी काव्य हेतुओं के लिए एक महत्वपूर्ण काव्य हेतु है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।